सीहोर के बुधनी में वन माफियाओं ने डोंगला पानी नाके पर जमकर पथराव किया। इस पथराव की वजह से मौके पर मौजूद बीट गार्ड को चोटें आ गईं, वहीं आसपास रखे वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। मामले की जानकारी देते हुए डोंगला पानी वन रक्षक ने बताया कि 11 मार्च को वन परिक्षेत्र खजूरपानी में अवैध वनोपज परिवहन करने वाले रामदेव और राजेश सहित अन्य आरोपियों के वाहनों को जब्त किया गया था। इस घटना से गुस्साए आरोपियों ने डोंगला पानी नाके पर जमकर पथराव किया। इस पथराव में बीट गार्ड को चोटें आ गई। बीट गार्ड ने किसी तरह पुलिस को फोन लगाकर अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है। सीहोर से चंदव सिंह भगवान की रिपोर्ट। हमारे साथ रात को घटना जो हुई है, क्या है कि हम समय समय से वरिष्ठों के निर्देश के अनुसार गश्ती का कार्य कर रहे हैं, तो इसके तहत हमने दिनांक 11/3/2024 को एक मोटरसाइकिल को अवैध वनोपज परिवहन करते हुए पकड़ा था वरिष्ठों के निर्देश अनुसार, जिसकी हमने जब तक कार्रवाई की और वनोपज और मोटरसाइकिल को हमने हमारे आवास परिसर नाके में हमारी सुपुर्दगी में रखी हुई है। जो भी नामजद मुलजिम थे उसमें रामदेव बारेला निवासी बावड़ी और एक राजेश बारेला सन ऑफ मेहरवान निवासी बावड़ी, तो इनके द्वारा अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिसका प्रकरण पंजीबद्ध विधिवत किया गया है। कल सोमवार दिनांक 18/3 को शाम को 8 बजे हम लोगों 8:30-9 के लगभग इन्होंने हम पर मतलब हमला करके गाड़ी छुड़ाने का प्रयास किया। हमारे द्वारा मना की गए, लेकिन इन लोगों ने डंडे और पत्थरों से फेंक फाँक के मारा तोड़ी करके और इनने हमें ले जाने की कोशिश की।